आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। MP के सागर जिले में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। वहां एक दलित युवक की हत्या कर दी गई है और उसे बचाने आई मां को निवस्त कर दिया गया। जिले के खुरई में हुए इस मामले में अब बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। दलित युवक की पीट पीट कर हत्या किए जाने के इस मामले में मायावती ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। सागर जिले की इस घटना पर मायावती ने ट्वीट करते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने इसे भाजपा सरकार के दोहरे चरित्र का प्रमाण करार दिया है। मामले में मायावती ने ट्वीट किया है कि सागर जिले में जहां अभी हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने संत रविदास का स्मारक बनाने की नींव बड़े तामझाम से रखी, उसी क्षेत्र में उनके भक्तों के साथ जुल्म जाति चरम सीमा पर है, जो भाजपा और उनकी सरकार के दोहरे चरित्र का जीता जागरणता प्रमाण है। मायावती ने लिखा है कि खुरई विधानसभा क्षेत्र में मंत्री के गुर्गे दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ के बाद राजीनामा न करने पर युवक नितिन अहिरवार की पीट पीट कर हत्या कर देते हैं, महिला के साथ अभद्रता कर हाथ तोड़ देते हैं, घर को ढहा देते हैं। ऐसा भयावह दृश्य भाजपा के शासन में हो रहा है। ऐसी क्रूर जातिवादी घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। मध्य प्रदेश सरकार में ऐसी और भी जघन्य घटनाएं लगातार होती रही हैं, किंतु न तो भाजपा न ही उनकी सरकार रोकथाम में गंभीर नजर आती है। यह दुखद, निंदनीय, चिंतनीय है। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा घटना की जांच के लिए गठित जांच दल शनिवार को घटना स्थल पर पहुंचा। दल ने कमलनाथ से पीड़ितों की मोबाइल पर बात कराई। उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाते हुए हर संभव मदद का भरोसा जताया है। जांच दल के पहुंचने की खबर से कलेक्टर दीपक आर्य, MP अभिषेक तिवारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।